और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा रोड में रविवार रात को हुई हिंसा में महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन ले लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जा रही है। रविवार रात को मीरा रोड के इलाके में उपद्रवियों ने तोड़ फोड़ कर दी थी। तस्वीरें इस वक्त की आपके सामने है। देखिए, इस हिंसक झड़प में कई लोग जख्मी भी हुए हैं, लेकिन अब पुलिस को ये कह दिया गया है कि कड़ा एक्शन लिया जाए और पूरी हरकत में इस वक्त पुलिस की टीम दिखाई दे रही है। 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे अब पूछताछ की जा रही है। अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही होगी, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया और कितने लोग इस हिंसा में शामिल रहे, ये सब कुछ इस वक्त खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर हिंसा हुई थी, इसी के आधार पर 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो बड़ी खबर और तस्वीरें इससे जुड़ी हुई जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। मीरा रोड पर कल हिंसक झड़प हुई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद पुलिस लेती हुई दिखाई दे रही है, लोगों को चिन्हित किया जाने का काम किया जा रहा है। 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सीसीटीवी की मदद से और पकड़े जाना बाकी है। हिंसक झड़प और अब उसके बाद ये कह दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि कठोर से कठोर एक्शन अब लिया जाए। जो है अभी भी काफी ज्यादा टेंस है यहाँ पर, इसीलिए पुलिस ने जहाँ भी ये तोड़फोड़ हुई थी, जिन लोगों ने ये तोड़फोड़ की थी, उस पूरे एरिया को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है और पुलिस किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रही है, क्योंकि जो लोग जो बंजारे कम्युनिटी के लोग थे, जो लोग वहां रह रहे थे, सिर्फ उन्हीं को ही जाने की परमिशन है। पास में जो गाड़ियां खड़ी है वहां पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ की गई है, साथ ही साथ जमकर पत्थरबाजी हुई है और देख सकते हैं कि सड़कों पर जो पत्थर है वो अभी भी पड़े हुए हैं और जितनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी थी वहां पर जमकर तोड़फोड़ हुई है। मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के समय और उसी दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब रथ यात्रा निकाली जा रही थी, तभी एक गुट ने उधर पत्थरबाजी शुरू की और उसके बाद माहौल काफी ज्यादा बिगड़ गया। दोनों गुटों में पत्थरबाजी हुई, दोनों तरफ से लोग घायल हुए और पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और इस पूरे मामले में मीरा रोड पुलिस ने तकरीबन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज तपासून जे लोक त्या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीत अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाही। अत्यंत कडक कारवाई ही त्या ठिकाणी केली जाईल आणि जे लोक अशा प्रकारे मृदंग करतायत, अतिक्रमण करतायत, वेगवेगळ्या प्रकारे त्या ठिकाणी अवैध बांधकामं करतायत, अवैध धंदे करतायत, या सगळ्यांवर कारवाई केली जाईल। जो भी इंसिडेंस हुआ है वो इंसिडेंस का हम जांच कर रहे हैं, पूरे सीसीटीवी फुटेज और सब देख के जो भी इंसिडेंस हुआ है जिसमें जो भी दोषी हो गए उन पर ही कार्रवाई होगी, जो निर्दोष है उन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं पुलिस की तरफ से आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी मेरी अपील है कि आप सब लोग अगर कोऑपरेट करेंगे तो ये शहर में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इतने सालों में। मेरी सबसे अपील है कि हमने शांति बनाए के रखे और सब लोग अपना अपना जो उत्सव करना है या जो भी अपना कार्य है वो शांति से करें सब। और वही अकेले मीरा रोड में ही इस तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई थी, कल नवी मुंबई के पनवेल में भी श्रीराम बाइक रैली के दौरान हमला किया गया और इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इस हमले में 3 लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की भी खबर है। और वही सोलापुर में शोभा यात्रा में पत्थरबाजी की गई है, इस पूरी घटना में 4 से 5 लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने है, तो अलग अलग इलाकों में किस तरह से जब यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई, बाइक रैली निकाली गई, तो वहां पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई है। अब महाराष्ट्र